नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडिया स्पिरिचुअल में। दोस्तों आज आप दर्शन करने वाले हैं गहवर वन की। गहवर वन के बारे में कहा जाता है कि वन में जो ही आवेगा जाए श्री जी रही बुलाए। व्रज धाम के कुल मुख्य 12 वनों में से सबसे सुंदर और आकर्षण और अनोखा वन है गहवर वन। गहवर वन को काफी अलग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की हर पत्ती में यानी कि प्रत्येक पत्ता श्री किशोरी जी के कर कमलों से सिंचित है। इस वन में नित्य प्रतिदिन लीलाएं होती हैं। दोस्तों श्री गहवर वन बरसाने की मयूर कुटी और मान मंदिर के बीच का भाग कहा जाता है जो नित्य विहार का स्थल है। गहवर वन बरसाना धाम में स्थित है जो उत्तर प्रदेश में मथुरा से 43 किलोमीटर दूर है। बरसाने में जो गहवर वन है जिसमें श्री राधा जी ने स्वयं अपने नित्य विलासों से इसे तैयार किया था, इसीलिए यह स्थल नित्य विहार माना गया है। नित्य विहार का तात्पर्य यहाँ पर एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं है। यहीं पर राधा कृष्ण जी ने रास रचाया था। इनमें से गहवर वन आज भी 5000 साल पुरानी महारास लीला का साक्षी है और यहाँ पर विरक्त संत रमेश बाबा पिछले 32 वर्षों से नियमित इस महारास परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। गहवर वन में 150 किशोरियां कृष्णकालीन लीला को जीवंत किए हुए हैं। यूं तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज क्षेत्र में अनेक जगहों पर गोपियों के साथ महारास किया था, अब गहवर वन एकमात्र ऐसा स्थान है जहां करीबन 150 किशोरियां प्रतिदिन शाम 6 से 7 बजे तक गोपिकाओं की वेशभूषा में आंख बंद करके श्री कृष्ण को याद करते हुए नृत्य करती हैं। ब्रज की बाकी लीलाओं की जगहों पर साल में द्वापर युग की तिथि के अनुसार महारास लीला का आयोजन होता है। यहाँ पर पहले रास मंडलों के द्वारा रास के जरिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता था। जब श्री कृष्ण बहुत सारी गोपियों के साथ नृत्य करते हैं तो वो महारास कहलाने लगा। गहवर वन महारास में अलग अलग प्रांतों की किशोरियां अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए एक माला के मोती की भांति कृष्णमयी हो जाती हैं, गोपियों की भांति नृत्य करती हैं और यह आयोजन प्रतिदिन आयोजित होता है। गहवर वन के मान मंदिर से 84 कोस की परिक्रमा और देश भर में धर्म जागरण के लिए प्रचार प्रसार से संभावित होकर और महाराज से प्रेरित किशोरियां मान मंदिर से भी जुड़ी रही हैं। यहाँ किशोरियों के लिए आवास की अलग व्यवस्था भी है जिसका प्रबंधन और नियंत्रण किशोरियों के ही हाथ में है। तो दोस्तों आपने जाना गहवर वन जो कि काफी प्रसिद्ध है और यहाँ पर आज भी 5000 साल पुरानी परंपरा को जीवित रखा गया है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं तो नई वीडियो के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।